हेलो यू ऑसम एंड ब्यूटीफुल रियल एस्टेट प्रोफेशनल्स, आप सभी का स्वागत है हमारे रियल एस्टेट हिंदी पॉडकास्ट ऊपर। सो आई एम योर होस्ट एंड दोस्त सिद्धार्थ बामानिया। सो इस पॉडकास्ट के ऊपर हम रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, मार्केटिंग, फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट, ब्रांडिंग के बारे में, AI के बारे में बहुत सारे रियल एस्टेट की इन्फॉर्मेशन आपके साथ हिंदी में शेयर करते हैं। सो एंजॉय दिस एपिसोड। हेलो, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube वीडियो के ऊपर, या फिर अगर आप पॉडकास्ट सुन रहे हो तो पॉडकास्ट के ऊपर आप सभी का स्वागत है। माइक चल रहा है कि नहीं चल रहा है? ठीक है, माइक चल रहा है ऑलरेडी। ठीक है, तो कारपेट एरिया क्या होता है? तो डेफिनेटली जहाँ पे आप कारपेट बिछा सकते हो उससे बोलते हैं कारपेट एरिया। तो मैं इस वीडियो के ऊपर या फिर इस पॉडकास्ट के ऊपर तो पॉसिबल नहीं है, बट वीडियो के ऊपर अगर आप देख रहे हो तो आपको वीडियो को देखना पड़ेगा कि आखिर में कारपेट एरिया क्या होता है। तो मैं एक फ़ोटो शेयर कर रहा हूँ, वहाँ पे से आपको एक छोटा सा आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, तो ये फ़ोटो है जहाँ पे आप देख सकते हो कि कारपेट एरिया किसे बोलते हैं। तो जहाँ पे आप अपनी कारपेट को बिछा सकते हो। वेट, अगर आप एक रियल एस्टेट प्रोफेशनल हो तो आपके लिए एक मैंने स्पेशल गिफ्ट तैयार करके रखा है। तो आपको विजिट करना है hitluxbamania.com/gift, तो आपको वहाँ से एक अमेजिंग सा गिफ्ट मिलेगा। तो थैंक यू सो मच, एंजॉय दिस एपिसोड। मतलब कि आपकी जो टाइल्स है कहाँ पे आपके घर में चारे बाजू तक आप लगा सकते हो, तो उसको कारपेट एरिया बोलते हैं। और दूसरा होता है बिल्टअप एरिया। का मतलब क्या है कि जहाँ पे आप अपनी खुद की टाइल्स नहीं लगा सकते हो, तो जो आपके घर पे जो दीवार है या फिर जो पोल्स है जहाँ पे उसके बीचों बीच तो आप टाइल्स नहीं लगा सकते, तो उसे बोलते हैं बिल्टअप एरिया। तो आपके जो कारपेट एरिया है और जो बिल्टअप एरिया है उसको बोलते हैं, जो बोले ना वॉल्स, दीवार, तो उसको कैलकुलेट करने के बाद आपका मिलता है एक बिल्टअप एरिया। और जो सुपर बिल्टअप एरिया है उसे क्या बोलते हैं? तो सुपर बिल्टअप एरिया का मतलब है कि जो आपका कारपेट एरिया, मतलब कि बिल्टअप एरिया में कारपेट एरिया भी आ गया, ठीक है, और दूसरा आपकी वॉल्स भी आ गई। और जो सेकेंड थिंग क्या आता है उसके ऊपर, तो उसमें जो आपका कॉरिडोर है, ठीक है, कॉरिडोर जहाँ पर आप चलते हो, आपकी लॉबी, आपके जो स्टेयरकेस है वो, आपके पास जो लिफ्ट है वो, तो ये सारे कुछ को मिला जुला के बनता है, उसको बोलते हैं सुपर बिल्टअप एरिया। तो जब भी आप अपनी प्रॉपर्टी को खरीदते हो तो प्रॉपर्टी में आप साइमल्टेनियसली उसकी पे तो करते हो, जो आपका जो बोले ना कि कारपेट एरिया या फिर बिल्टअप एरिया है उसकी प्राइस तो आप पे करते हो उस बिल्डर को या फिर उस डेवलपर को। तो इस हिसाब से अगर आपको पता नहीं है कि कारपेट एरिया क्या होता है, तो एक ऐसा मेजरमेंट जहाँ पे आप अपनी जो कारपेट है बिछा सकते हो, बिल्टअप एरिया जहाँ पे आप कारपेट को नहीं बिछा सकते बट फिजिकली आपकी चेयर वहाँ पे नहीं रख सकते, ठीक है। और सुपर बिल्टअप एरिया है ना, उसमें आपका कॉरिडोर, आपका बिल्ट जो बिल्टअप एरिया वो आपकी लिफ्ट, स्टेयरकेस, लॉबी, सारा कुछ का जो बोलते हैं ना कि मसाला बोलते हैं उसको बोलते हैं भेगा। हे, थैंक यू सो मच कि आप हमारे इस वाले पॉडकास्ट के एंड तक बने रहे हैं, तो दिल से थैंक यू सो मच। अगर आपको इस वाले पॉडकास्ट से वैल्यू मिली है तो अपने सोशल मीडिया के ऊपर शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप इस वाले पॉडकास्ट को स्पॉटिफाई के ऊपर सुन रहे हो तो प्लीज़ वहाँ पे सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप एप्पल पॉडकास्ट के ऊपर सुन रहे हो तो वहाँ पे सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। और थैंक यू सो मच कि जो भी करो लाइफ में, जोरदार करो, बी ऑलवेज हैप्पी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।